हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ एग्रोनॉमी ऑन माय यूट्यूब चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो गाइज, हमने जो लास्ट लेक्चर था एग्रोनॉमी का, उसमें हमने पढ़ा था कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन जीडीपी किसको कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन एग्रीकल्चर पे, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था हमने, या फिर रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया है। तो ये हमारा जो थर्ड लेक्चर है, ये भी थोड़ा हिस्ट्री ही है एग्रीकल्चर का। तो अभी तक जो चीज़ें हम पढ़ते आए हैं दो लेक्चर्स में, और आज का जो तीसरा लेक्चर है, ये चीज़ें मोर अगर हम बोले तो वो एग्रीकल्चर के बारे में ही हमने पढ़ा है। कल की जो और जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगी, उसमें हम बेसिकली मेन फोकस हो जाएंगे एग्रोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर को हम टोटल 5 टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला है एग्रीकल्चर हेरिटेज, दूसरा है स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, थर्ड है ईरा ऑफ सिविलाइजेशन, फोर्थ है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, और लास्ट है एंशियंट प्रेडिक्शंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर हेरिटेज। तो अगर हिंदी में हेरिटेज का मतलब अगर हम पहले जाने तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरासत। तो अब भी हम एंशियंट इंडिया से और अभी में हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ब्रिटिश एरा से मिली हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, विरासत। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है या फिर रेड फोर्ट है, वो चीज़ें क्या है, वो एक हमारे लिए हेरिटेज है, ठीक है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर हेरिटेज होता है। एग्रीकल्चर हेरिटेज मीन्स हमें ऐसा नहीं है कोई हमें बिल्डिंग मिल गया है या फिर कुछ मिल गया है, ये क्या है, हमारे पुराने ट्रेडिशंस जो एग्रीकल्चर में हम हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, वैल्यूज़, प्रैक्टिसेस, उन सब चीज़ को हम अभी अडॉप्ट करते हैं। यही हमारी चीज़ें जो हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंशियंट लोगों ने समझाई हैं एग्रीकल्चर में, वही चीज़ों को हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर हेरिटेज कहते हैं। तो इसको अगर हम बाई डेफिनेशन देखो तो क्या होगा, ये एग्रीकल्चर हेरिटेज का मतलब ये क्या है, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन एंशियंट विच आर मोर रेलिवेंट टू प्रेजेंट ए सिस्टम, ठीक है। इसमें एक वर्ड आता है GIAHS, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। तो अगर GIAHS को अगर हम बाई डेफिनेशन देखें तो क्या है वो, रिच इन ग्लोबली सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विच आर अडॉप्टेड इन द कम्युनिटी फ्रॉम इट्स ओल्डर कम्युनिटी विथ इट्स इन्वायरमेंट फॉर सुटेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब बस इतना ही है कि हम अगर टुकड़े टुकड़े में इस चीज़ को पढ़ेंगे एग्रीकल्चर हेरिटेज को, इसलिए हम वर्ल्ड में अगर इसको पढ़ना चाहें तो हमें किस चीज़ को पढ़ना है, GIAHS को, ठीक है, जो कि जो FAO है उसने इस चीज़ को बनाया है। तो आज अगर हम टोटल वर्ल्ड में देखें तो 5 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है, ठीक है, उस चीज़ को हम GIAHS के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, इंडियन एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इंडियन एग्रीकल्चर को माना जाता है कि वो 900,000 BC में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम के एग्रीकल्चर को बेसिकली हम किस चीज़ में कंसिडर कर रहे हैं, कल्टीवेशन और डोमेस्टिकेशन में, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में तो वो हमारे और जो सिविलाइजेशंस हैं ना, जो दूसरे देश के सिविलाइजेशंस हैं, उनमें यूनिक है, इसीलिए इस चीज़ के लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। तो अगर हम इंडियन एग्रीकल्चर के हिस्ट्री के बारे में बात करें या फिर एग्रीकल्चर के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो वो बेसिकली चेंज क्या हुआ है, वो पहले लोग हुआ करते थे नोमैडिक हंटर, जो घूम घूम के हंटिंग करते थे, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, कल्टीवेटर ऑफ लैंड में। यही चीज़ के तो चेंज को हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर में शिफ्ट करना, ठीक है। तो हमें हेरिटेज में मिला क्या है, हमने बहुत सारी नेचर फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम को सीखा है अपने पूर्वजों से, ठीक है, जैसे मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपने पूर्वजों से सीखी हैं, ठीक है। अभी हम आगे हिस्ट्री में देखेंगे तो हमने प्लो का यूज़ करना सीखा है, ठीक है, हार्वेस्टिंग टूल जो सबसे पहले हमने यूज़ किया है वो भी हमें पूर्वजों से ही मिली हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें तो इस चीज़ का पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर ना एक सिर्फ ऑक्यूपेशन नहीं है, ये हमारे जीने का तरीका बन गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज इन इंडिया इज़ नॉट अ ऑक्यूपेशन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ फॉर मेनी इंडियन पॉपुलेशन। इसलिए आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे पुरानी ट्रेडिशन क्या थी एग्रीकल्चर में, और उसमें हम कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को करते थे, ठीक है। इससे हमें क्या होगा कि आगे जो हमारा फ्यूचर रिसर्च है एग्रीकल्चर में, उसको आगे ले जाने में हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इतना पुराना है कि इसके जो प्रूफ हैं वो हमारे रामायण में मिलते हैं, वेद में मिलते हैं, महाभारत में हैं, ठीक है, संगम लिटरेचर में है, अग्नि पुराण में है। तो ये सारी चीज़ें जो पुरानी पुरानी चीज़ें हैं उनमें हमारे एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है, ठीक है।
तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है उनको हम इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि इनका स्पेसिफिक कोई नाम है। जो जैसे पहले एग्रीकल्चर में सबसे पहले क्या हुआ है, हंटिंग होता था, फूड गैदरिंग होता था। सबसे पहले हम क्या यूज़ करते थे, स्टोन इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे। फिर हमने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा, उसमें से भी एनिमल सबसे पहला ध्यान रखना है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहला जो एनिमल है जिसको हमने डोमेस्टिकेट करा था वो डॉग था, ठीक है। उसके बाद हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया, तो ये एक अलग टाइम हो गया। फिर उससे और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो हमने कल्टिवेशन स्टार्ट करा, वो भी सबसे पहले किसका, सीरियल्स का, उनमें भी वीट बार्ले, ठीक है। उसके बाद हमने और ज़्यादा डोमेस्टिकेशन करी, उसके बाद किसका किसका डोमेस्टिकेशन करना हमने स्टार्ट करा, गोट का, सिप का, पिग का, ठीक है। कल्टिवेशन में हमने प्लोइंग सीखा, ठीक है, इरिगेटेड फार्मिंग सीखी, फिर हमने व्हील का इन्वेंशन किया, ठीक है। फिर हम जो आज हम सीड जो हम लगाते हैं अपने फार्म में जो लैंड पे, उनका जो अलग अलग मेथड है, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, तो उनमें से हमने जो मोस्ट कॉमन था पहले क्या था, वो ब्रॉडकास्टिंग ही था। उसके बाद हमने क्या सीखा उसमें, सीड डिबलिंग करना, ठीक है। तो डिफरेंट सिविलाइजेशंस जो है हमारे इंडिया में, उन्होंने अलग अलग एग्रीकल्चर में इन्वेंशंस किए थे, ठीक है। तो सारे सिविलाइजेशंस को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ उन सिविलाइजेशंस को हम एरा वाइज ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसी लिए ह्यूमन सिविलाइजेशन जिसको माना जाता है 1.7 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था, जो कि एक मंकी से आया हुआ है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मंकी ना कह के हम मोर प्रिसाइजली बोले ह्यूमंस को, तो होमो इरेक्टस ऐसा एक समय आया था जब जो पहले के ह्यूमंस थे वो टेट्रापिडल ना होके बाइपिडल लोकोमोशन करने लग गए, जिनको हम होमो इरेक्टस बोलते थे, यानी जो ऐसा ह्यूमन बीइंग जो कि सीधा होके चलने लगा था, ठीक है। या फिर उसको जावा मैन बोलते थे या फिर पिकिंग मैन बोलते थे, ठीक है। और उसके बाद आया एक फेज क्रोमैग्नॉन। क्रोमैग्नॉन वैसे ह्यूमंस थे जो कि केव्स में रहते थे। कौन से डेवलपमेंट हुआ मैन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियंदर्थल मैन, ठीक है। उसके बाद हमारा है मॉडर्न मैन, जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो अगर एक हम फ्लो देखें स्टार्टिंग से ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तो सबसे पहले वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। उसके बाद फूड गैदरिंग करना स्टार्ट करा, फूड गैदर करना मतलब अपने लिए फूड खाते थे और उसके बाद एक ग्रुप में दूसरे को देते भी थे। तो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ जिसमें उन्होंने क्रॉप अपने मतलब सोसाइटी के लिए उगाना स्टार्ट करा। उसके बाद वो क्या हो गए, एक जगह सेटल हो गए, क्योंकि वो एक जगह क्रॉपिंग करते थे और एक जगह सेटल हो गए, सोसाइटी बनाना स्टार्ट करा, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और इन्हीं सिविलाइजेशन को फिर हम तीन पार्ट में देखते हैं, एक स्टोन एज में, दूसरा ब्रॉन्ज एज में और थर्ड आयरन एज में, ठीक है। तो हम इन तीनों एजेस को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है सबसे पहला स्टोन एज। इसको माना जाता है कि ये 2.5 लाख से लेके 1 लाख BC तक ये एज था, ठीक है। अब एज को हमने किस में डिवाइड कर दिया है, पीरियड्स में। तो हम एक फ्लो देख लो यहाँ पे, एरा को हम किस में डिवाइड करते हैं, एजेस में, एजेस को फिर पीरियड्स में, ठीक है। तो सबसे पहला जो पीरियड था स्टोन एज का वो था पैलियोलिथिक एरा, दूसरा मेसोलिथिक और थर्ड है नियोलिथिक एरा, ठीक है। पैलियोलिथिक को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज इसको बोलते हैं मेसोलिथिक को, और जो न्यू स्टोन एज जिसको बोला जाता है वो है नियोलिथिक एरा। तो पैलियोलिथिक एरा में क्या हुआ था, हम उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। उस टाइम जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो मेनली हंटर्स था, फूड गैदरिंग करता था, ठीक है। स्टोन टूल्स यूज़ किया जाता था, स्टोन टूल्स में वैसे वैसे चपटे चिप्ड स्टोन टूल्स होते हैं ना, जिनसे किसी चीज़ को काट दिया जाए, यानी हंटिंग करते थे तो उनको फ्लैश को काटना होता था, ठीक है। तो मेनली बेसिकली जो स्टोन टूल्स थे वो कैसे थे, चिप्ड स्टोन्स थे, ठीक है। उनके पास कोई भी कल्टिवेशन करने का और हाउस बनाने का, घर बनाने का कोई भी नॉलेज नहीं था, ठीक है। उसके बाद आया मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। ये माना जाता है कि 1 लाख से लेके 3700 BC तक ये टाइम था, ठीक है। इसमें मेनली क्या थे, कैसे लोग थे, हंटर्स और हेडर्स थे, ठीक है। इसको हम लोग मेसोलिथिक पीरियड इसलिए कहते हैं कि इसमें जो चीज़ें हमें मिली हैं उसको हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ मतलब क्या हुआ, टीनी स्टोन इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, जिससे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, यानी बुलेट्स टाइप हो गया, कुछ नुकीला बुलेट हो गया, फिशिंग करते थे। और इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले एनिमल को क्या करना स्टार्ट करा, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करा। और सबसे पहला एनिमल कौन सा था, डॉग था, जिसका यूज़ वो किस में करते थे, हंटिंग में ही करते थे, ठीक है। यहाँ पे कोई एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता था, सिर्फ हंटिंग के लिए क्या यूज़ करते थे, मतलब एनिमल प्रोडक्ट मतलब जो जैसे मिल्क, एग, ये सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते थे, सिर्फ वो फ्लैश खाते थे। तो डॉग का भी उन्होंने डोमेस्टिकेशन सिर्फ हंटिंग पर्पज़ के लिए किया था, ठीक है। थर्ड पीरियड आया नियोलिथिक पीरियड,
न्योलिथिक पीरियड आने के बाद उनमें कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे क्या बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा मोड़ा जाना है। वो एक सेटल विलेजेस में रहना स्टार्ट करते हैं, मतलब सोसाइटी बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। और इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सामान उन्होंने बेचना नहीं कह सकते, एक्सचेंज स्टार्ट किया इकोनॉमिक पर्पज से कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं तुम मुझे ये चीज़ दो, ठीक है। और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, जैसे व्हील्स का, प्लोज का, ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट, यानी जो सर्कुलर व्हील्स बनाना स्टोन से, ये सारी चीज़ें यानी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस कुल्हाड़ी इन्होंने बनाया, पोटरी स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने राइस बनाना मिलेट्स लाइक क्रॉप स्टार्ट किया। सिल्क का डिस्कवरी इसी एज में हुआ है, यानी न्योलिथिक पीरियड में हुआ है स्टोन एज के, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज को हम क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक कल्चर या फिर चैल्कोलिथिक एरा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इसको चैल्कोलिथिक क्यों कहा जाता है कि इसमें स्टोन और कॉपर और ब्रॉन्ज का, मतलब कहने का मतलब है कि मेटल्स का भी और स्टोन का भी दोनों का यूज़ हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं, ठीक है। इसमें यूज़ ऑफ मेटल हुआ है, मेटल यानी कौन, कॉपर, ठीक है, और ब्रॉन्ज का यूज़ किया है। इस ब्रॉन्ज एज में सबसे पहला प्लो का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, प्लो मीन्स जिससे हम टिलिंग करते हैं, ठीक है, टिलेज करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर फ्रॉम हिल टू रिवर वैली, मतलब वो जो एग्रीकल्चर स्टार्टिंग इन्होंने किया था न्योलिथिक एरिया में, उसको कहाँ से, वो हिल एरिया से रिवर वाले एरिया में हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कराया ब्रॉन्ज एज में। वाटर स्टोरेज हमने सीखा है, ठीक है, यूज ऑफ व्हील सीखा, ठीक है। और लास्ट जो था वो था क्या, आयरन एज। आयरन एज किसको, हम इंडिया में अगर आयरन एज देखते हैं डेवलपमेंट का, तो हम वो कहते हैं जब से आयरन इंडिया में आए तब से आयरन एज स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें इन्होंने सबसे पहला हार्वेस्टिंग टूल यानी जो सिकल, ठीक है, इसको हसुआ कहते हैं, उन्होंने उसका आविष्कार किया है। शुगर केन कल्टीवेशन किया था। जो अभी प्लो इन्वेंशन हुआ था ब्रॉन्ज एज में, वो क्या था, ब्रॉन्ज का होगा, कॉपर का होगा, लेकिन आयरन एज में आयरन प्लो का यूज़ किया गया है, आयरन की कुल्हाड़ी का यूज़ किया गया है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन जो अभी तक डॉग्स का हो रहा था, उस इन्होंने डोमेस्टिकेशन सिप, गोट, म्यूल, इन सब चीज़ों का करा है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, म्यूल का यूज़ करते होंगे वो ट्रांसपोर्टेशन में, गोट का ये मिल्क और मीट के लिए करते होंगे, सिप का वैसे ही कपड़ों के लिए करते होंगे यानी ऊन के लिए करते होंगे। यानी जो हम जो डेवलपमेंट देख रहे हैं डिफरेंट सिविलाइजेशंस में, वो एक ग्रेजुअल होता चला आया है, ठीक है, ठीक है। आयरन एज के बारे में हमने बात कर लिया। अगला है कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है, तो इसको हम बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे। और हिस्ट्री इंडिया में अगर बात करें तो इसको पांच फेजेस में बांटा गया है। सबसे पहला अर्ली हिस्ट्री, दूसरा वैदिक पीरियड, फिर अर्ली कॉमन एरा, लेट मिडिल एजेस और कॉलोनियल ब्रिटिश एरा, ठीक है। अर्ली हिस्ट्री में क्या है, वीट बार्ली कल्टिवेशन करते थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, शीप, गोट, एलिफेंट, ठीक है, कॉटन का कल्टीवेशन, मैंगो यानी फ्रूट्स वगैरह कल्टीवेशन स्टार्ट किया है। और ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट फ्रूट में सबसे पहले मैंगो के बारे में बात किया जा रहा है। राइस में वाइल्ड राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद इरिगेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुआ, मतलब इरिगेशन भी स्टार्ट हुआ है, और वो भी सबसे पहले कौन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वाटर स्टोरेज सिस्टम के बारे में बात किया गया अर्ली हिस्ट्री इंडिया में अगर बात करें तो, यानी ये इंडिया में अर्ली हिस्ट्री में ही, मतलब बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था वाटर स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमारा आया वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में बेसिकली हमारा जूट कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। हमने जो प्लांट्स थे उसको हमने, मतलब भगवान का रूप मानना स्टार्ट कर दिया। भगवान का रूप नहीं कह सकते, हमने उसका पूजा पाठ, कुछ कुछ प्लांट्स का हमने पूजा स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे पीपल हो गया, बनियान ट्री हो गया, ठीक है, क्योंकि हम उसका मेडिसिनल यूज़ जानने लग गए थे, ठीक है। हमने मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ किया अपने डाइट में, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हम करने लग गए, ठीक है, मतलब क्लाइमेट के बेसिस पे हम क्रॉप्स लगाना स्टार्ट करने लग गए थे, ठीक है। अर्ली कॉमन एरा आया, उसमें हमने स्पाइसेस लगाई हैं, पल्सेस लगाई हैं, कोकोनट्स लगाया था, ठीक है। प्लोइंग स्टार्ट कर, मतलब हर क्रॉप के पहले हमने प्लोइंग स्टार्ट कर दिया था, मैन्योरिंग स्टार्ट कर दिया, वीडिंग कर दिया, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज होती चली आई। तो अर्ली कॉमन एरा तक हमने क्या क्या सीख लिया था, प्लो करना, मैन्योरिंग करना, वीडिंग करना, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। डैम बनाना भी सीखा इसी में, ठीक है। हमने जो मसालों का ट्रेड स्टार्ट कर दिया था, जो शुगर है
जो शुगर केन से हमें मिलता है उसका हमने क्रिस्टलाइज फॉर्म भी बनाना स्टार्ट कर लिया था अर्ली कॉमन एरा में। फिर उसके बाद आया लेट मिडिल एजेस, इसमें हमने वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सीखा, एग्रीकल्चर जोन सीखा, मतलब हमने एग्रीकल्चर को जोन वाइज बांट दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लैंड मैनेजमेंट सीखा और लास्ट आया हमारा कॉलोनियल ब्रिटिश एरा, इसमें हमने इरिगेशन कैनाल्स बनाया, हमने पढ़ा था ना अपर बारी डोप कैनाल सिस्टम फर्स्ट लेक्चर इसमें, ठीक है। जैसे हमने सतलुज रिवर के ऊपर हमने कैनाल और डैम्स बनाए, ठीक है। और जो ब्रिटिश एरा में मेनली हम लोग को याद करने वाली चीज़ क्या है, इसमें हमने इंडिगो ओपियम इस सब चीज़ का इंपॉर्टेंस हमने ग्लोबल मार्केट में देख लिया कि बहुत ज़्यादा है, तो इसका कल्टिवेशन हमने ब्रिटिश एरा में स्टार्ट करा है। और फिर बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस किया हमने, एग्रीकल्चर एजुकेशन पे, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया, फेमाइन कमीशन बनाया, बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स को बनाए, ठीक है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एंशिएंट एग्रीकल्चर प्रेडिक्शंस, नॉलेज एंड प्रेडिक्शंस कह सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग तीन चीज़ पढ़ेंगे, सबसे पहला कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, दूसरा संगम लिटरेचर, और लास्ट रेनफॉल प्रेडिक्शन पहले कैसे करते थे, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहला कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में देखें, तो जो कौटिल्य थे वो एक वर्ड बोलते थे वर्त, ठीक है। वर्त के अंदर वो तीन चीज़ को कंसीडर करते थे, एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग और ट्रेड को, ठीक है। उन्होंने अपने जो ये अर्थशास्त्र जो बुक लिखी है उसके अंदर हमें क्या क्या बताया हुआ है, ही सजेस्टेड मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन एग्रीकल्चर विच आर हाईली रिलेवेंट टूडे। जैसे उन्होंने क्या क्या बताया, प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर, कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं एग्रीकल्चर बड़ा सा फील्ड है, फार्म है, तो उस पर हमें एक ऐसे लोग को अपॉइंट करना चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, यानी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को हमें लगाना चाहिए। दूसरा, हमें किस टाइम पे सोइंग करना चाहिए उस चीज़ के बारे में मतलब बताया कि टाइमली सोइंग का फ़ायदा क्या है, ठीक है। गुड रेनफॉल का मतलब गुड ईल्ड बताया, मतलब बोला कि जितना ज़्यादा अच्छा बारिश होगा उतना ज़्यादा हम लोग को ईल्ड मिलेगा। उन्होंने जैसे बताया था कि सोलह द्रोनास जो है वो क्रॉप के लिए, उन्होंने एक कॉमन बताया कि 16 द्रोनास अगर रेनफॉल हुआ क्रॉप में तो अच्छा कल्टिवेशन हो पाएगा, मतलब अच्छा रेनफॉल होगा तो अच्छा कल्टिवेशन होगा। जैसे 1 द्रोना का मतलब उन्होंने क्या बताया था, 40 to 50 mm ऑफ रेनफॉल, ठीक है। मतलब 1 द्रोना का मतलब क्या होता है, 40 to 50 mm, ठीक है। और क्या बताया था उन्होंने, क्रॉप शुड बी ग्रोन अकॉर्डिंग टू द सीजन, ठीक है। और लास्ट बताया था कि हमें बायो कंट्रोल प्रैक्टिसेस जैसे हीट ट्रीटमेंट करना चाहिए सीड्स का, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ काउ डंग, हनी और घी, इन सब चीज़ के बारे में बताया था। जैसे काउ डंग का यूज़ क्या है, वो फर्दर इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। हनी एक लेयर बना देता है जिससे फर्दर इन्फेक्शन, या फिर कह सकते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं होगा, और दूसरा है कि वाटर भी लॉस नहीं होगा, मॉइस्चर लॉस से प्रिवेंट करता है। घी का भी वैसे ही रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौटिल्य अर्थशास्त्र में हमने सीखी हैं, जो आज भी हमारा जो जनरेशन है उसको प्रूव कर चुका है, ठीक है। अगला है हमारा संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर किसके बारे में बात करता है, एथिक्स, सोशल लाइफ और रिलीजन के बारे में। तो इन लिटरेचर में हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या चीज़ के बारे में बताया गया है, लैंड क्लासिफिकेशन के बारे में, सीजन्स के बारे में बताया गया है कि उसमें टोटल 6 सीजन्स बताए गए हैं कि टोटल 6 सीजन्स होते थे, ठीक है। रेनी सीजन बताया गया है, समर सीजन बताया गया है, इसमें से भी अर्ली समर बताया गया है, ठीक है। उसमें हमने सीखा है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मतलब हमें सीजन वाइज करना चाहिए, इरीगेशन का टाइम बताया गया है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया गया है, क्रॉप रोटेशन, सीड क्या होता है, थ्रेसिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है, प्लोइंग एंड मैन्योरिंग बताया गया है, क्रॉप केयरिंग मतलब क्रॉप को केयर, मतलब वही जो फील्ड मैनेजमेंट है जो हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो पहले का लोग और रेनफॉल प्रेडिक्शन कैसे करता था, अगर बोलता था कि अगर बहुत ज़्यादा जिनको हम क्या कहते हैं फायरफ्लाइज को हम क्या कहते हैं, जुगनू, अगर बहुत ज़्यादा फायरफ्लाइज अगर दिखती हैं रात को फॉरेस्ट ट्रीज़ के ऊपर तो मानसून क्या होगा, जल्दी आने वाला है, मतलब ऐसे प्रेडिक्शन करते थे, अगर बहुत सारी फायरफ्लाइज अगर पेड़ के ऊपर दिख रही हैं फॉरेस्ट में तो जल्दी मानसून आने वाला है, ये प्रेडिक्शन होता था, ठीक है। अगर बारिश हो गई है, लाइटनिंग भी हो रही है और तूफान शायद भी आ रहा है, ठीक है, अगर तो इससे क्या पता चलता था कि कुछ 72 दिनों तक अब रेनफॉल आगे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का रेनफॉल प्रेडिक्शन होता था पहले।
फिर से इस चीज़ को देख लो, अगर बहुत सारे फायर फ्लाइज अगर फॉरेस्ट में अगर ट्रीज़ के ऊपर दिखती थी तो ये कहते थे कि मानसून अब आने वाला है, यानी रेनफॉल होगा, ठीक है। लेकिन अगर रेन हो रहा है, लाइटनिंग भी हो रही है, और उसके दो दिन तक अगर उन लोगों को थंडर तूफान भी दिखता है, तो वो क्या बोलते थे कि अब अगले 72 या 70 दिनों तक क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, और ये लेक्चर थोड़ा सा मैंने तेज कवर किया है कि टॉपिक्स बहुत सारे थे इसमें डिस्कस करने के लिए। एक चीज़ मैंने छोड़ दिया यहाँ पे कि ITK है इसमें, ITK ये चीज़, ठीक है। ITK तो ITK मतलब क्या होता है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ये क्या है, सम टोटल ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस विच आर बेस्ड ऑन पीपल्स एक्सपीरियंस इन डीलिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं कि समर प्लो कर दो, ठीक है, उससे क्या होगा, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, मॉइस्चर कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन कंजर्व कर सकते हैं, नहीं होगा सॉइल इरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कम होगा, ठीक है। वीड मैनेजमेंट हम कर सकते हैं अगर समर प्लोइंग कर दिया हमने तो, ठीक है। दूसरा है कि काउ डंग का कोटिंग कर देने पे, अगर हम कॉटन सीड के ऊपर अगर काउ डंग का कोटिंग कर देते हैं तो क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। सोकिंग ऑफ बंगाल ग्राम बिफोर सोइंग, इससे हमारा क्या होता है, फास्ट ग्रोथ होता है सीड, मतलब जो डॉर्मेंसी होती है वो जल्दी टूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें ITK के अंदर आती हैं, ठीक है। तो अब ये लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और शायद ये लेक्चर तरीके समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो मुझसे मेरे इंस्टाग्राम चैनल या फिर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें पूछ सकता है। इस लेक्चर की जो PDF है और स्लाइड है वो तुम्हें इस नीचे दिए गए लिंक पे मिल जाएगी। और अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।